एटीवी की लाइव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ फारूक हसन। मेरे साथ मौजूद है तंजीला मज़र। आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और यौम आज़ादी है। हम बड़े जोश से, बड़े फ़ख्र से हम ये यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 72वां जश्न आज़ादी आज हम मना रहे हैं जी। और जब हम यौम आज़ादी मना रहे हैं तो आज हमारी कोशिश है कि कुछ ऐसे जाविये हमारी ज़िंदगियों के, उनको भी निखारें, आपके साथ मिलके गुफ्तगू ऐसी चीज़ों पे करें जिनकी वजह से हम इस पाकिस्तान को बेहतर बना सकें। कि हम लोग एक जत्थे में या एक ग्रुप में तो ज़रूर हमारी सोच एक जैसी होगी, मुत्तफिक होंगे, लेकिन जब एज अ नेशन या बहैसियत कौम जब हमें इकट्ठा होने के लिए कहते तो बड़े कम मौके होते हैं। मेरे ख्याल में मैंने अपनी लाइफ में जलजला जब आया 2005 का, 2010 और 11 के फ्लड्स जब आए जो बिगेस्ट कलेमिटीज़ थी, उसमें मैंने कौम का जज्बा देखा जब हर पाकिस्तानी एक साथ था। यहाँ APS पिशावर का जो वाकया हुआ था बहुत बड़ा सानिया था और उस पर पूरी कौम जो है वो इसमें बुनियादी तौर पर ना फिर हुकूमतों का काम आ जाता है कि आप APS का वाकया देखें, अगर उसमें APC ना होती या जलजले में NGOs के साथ हुकूमत सारा ना होता, शायद हम मौजज़ों के इंतज़ार में रहते हैं कि कोई मौजज़ा हो तो ठीक है। ये ज़बरदस्त बात कि मौजज़े नहीं, सिस्टम, आपका जो निज़ाम हुकूमत है, मैं रियासत की बात नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है। अब देखें, आप बहुत सारी चीज़ें जो 10 साल पहले आप कर सकते थे अब नहीं आप कर सकते। आप ऑफिसेज में देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में इवन देख लें, आपकी प्रोग्रेस, टीचर्स की प्रोग्रेस देख लें आपके, अब वो उस तरह नहीं है कि वालिदैन नहीं आ रहे तो बच्चे की प्रोग्रेस नहीं पता चल रही। अब आप फौरी तौर पे वो व्हाट्सएप पे या नंबरों पे आप ऑनलाइन वो कर देते हैं। तो सिस्टम बेहतरी की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जा रहा है, अब हम मौजज़ों के इंतज़ार में जा रहे हैं, बहुत अरसा नहीं रह सकते हमें। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मसाइल हैं जिसमें कौमी बयानिए की ज़रूरत है, जैसे हमने अपने तालीम के निज़ाम को बेहतर करना, नहीं कौम ने भी तो मुत्तहिद होना ना, हम पार्टी के तौर पे, ग्रोह के तौर पे हो जाते हैं। है ये हमारी, मेरा ख्याल है कि शायद अच्छा, यू डोंट एग्री कि कौम मुत्तहिद नहीं? बिल्कुल मुत्तहिद है। आप देखें कौमें मुत्तहिद कब होती हैं, जब उन पे कोई वो आता है मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल। अदरवाइज तो मैं, डॉक्टर साहब निकलते हैं तो अपने काम के लिए निकल रहे हैं, मैं निकलता हूँ तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन, हम सभी जो फारग बैठा है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये ना समझें कि उसको, जिसको नौकरी नहीं मिली आज, जो बेरोज़गार है वो भी कंट्रीब्यूट, अब क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कुछ सोच रहा है ना। तो बुनियादी तौर पे तो आज़ादी की, चूंकि है आज़ादी के हवाले से, कि वो कुछ सोच रहा है। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं कैसे जॉब लूँ, मैं स्ट्रगल की तरफ बढ़ रहा है। तो आपकी राय में कि अगर सिस्टम्स इन प्लेस होंगे तो फिर आप जो भी काम करना चाहेंगे वो आसान होगा। आप देखें, हमें हमारे यहाँ जो मसाइल आ रहे हैं ना, जो हमारे हुकूमतों के मसाइल, अवामी मसाइल आ रहे हैं, ये मसाइल सारे के सारे लीडरशिप, जब तक ये पार्टियों से इधर से उधर जाना, उधर से ये सारे ठीक हो जाएंगे ना, जब उनको पता होगा कि निकलेंगे तो अगले दिन ही मेरी अवाम, जिन्होंने मुझे वो किया हुआ, मेरे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, तो वो पार्टियाँ चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, मैं तो इसमें एक छोटी सी बात फारूक में, जी आप भी कमेंट कीजिएगा, मैं एक चीज़ इसमें फारूक ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो पॉलिटिकल नहीं हैं, वो सोशल हैं या सोशल पॉलिटिकल हैं, और वहाँ सोसाइटी हमें ठीक करना, हाँ, एक माशरे के तौर पे, नहीं, बहसियत मजमूई, आपने वहाँ पे जब अपनी सोच एक जगह पे ले आएंगे ना तो उनका हल आसान हो जाता है। हमारी हर चीज़ सियासी होती है, ये याद रखें। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे तो गैर वो भी एक अच्छी स्टेटमेंट है, जैसे होटल में लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है, तो वो ये इसलिए नहीं लिखा होता कि यहाँ सियासी गुफ्तगू, उसका मतलब होता है जो हमारी पार्टी है उसकी बात करें आप। अच्छा, ये खत्म नहीं होता, मुझे भी हमारी मर्जी की बात, हमारी